चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस को पर मैं सभी देशवासियों को और खास करके मेरे परिसर के लोगों को, गोकुल धाम, पिंपरी पाड़ा, गोरेगांव और मलाड के जो वासी हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ मैं कोरोना में जिनका देहांत हुआ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और कोरोना वॉरियर जो हैं, सफाई कर्मचारी हों, डॉक्टर हों, पैरामेडिकल्स हों, जो भी इस कोरोना में पुलिस कर्मचारी हैं, जो भी कोरोना के इस महामारी में जनता की निरंतर सेवा में लगे हुए हैं, मैं उनको सत सत नमन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, और पुनः एक बार सभी लोगों को आज़ादी के इस पर्व की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, मैं तो पहले एक मौका लेता हूं, आपने मेरे सामने माइक किया है, मैं सभी देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं आज की देश तारीख में जो बॉर्डर पे, सीमा पे जो खड़े हैं जवान, मैं तो बोलता हूं जो कोरोना वॉरियर है वो सभी जवान है, और आज के तारीख में जो व्यक्ति घरों में भी हैं वो भी एक तरह से एक लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई में सब लोग ने पॉजिटिवली आना चाहिए, सब लोगों ने एक दूसरे की मदद करना चाहिए। और जो हमारे सीमा पे जो आप जवान की आपने बात की, वो तो उनके त्याग और बलिदान का क्या कहना, मैं उनको क्या मैं कहूँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि आप हैं तो हम हैं। उनके बिना मैं अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता, उनके बिना मैं देश के अशुन्न आज़ादी के बारे में नहीं सोच सकता। उनका जो त्याग है वो तमाम जो साधुओं का त्याग है, संतों का त्याग है, वो सर्वोपरि त्याग है। तो मैं उनको बहुत ही हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक मैं उनको नमन करता हूँ, और मैं वो हमारे जीवन में है इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जी, आपका क्या अनुभव लगा? जी दोस्तों नमस्कार, मैं लगभग पिछले कई वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। मैंने यहाँ भी कहा, अभी जब यहाँ पर ये 15 अगस्त का और 26 जनवरी का ध्वज वंदन कार्यक्रम होता है, अब यकीन मानिए उस समय मुश्किल से 150 आदमी हुआ करते थे पूरी रोड के ऊपर। आज कोरोना काल में भी अगर हम यहाँ इतने जने जमा हुए हैं तो यादव परिवार का ये देश के प्रति प्रेम है, ये इस वजह से यहाँ सारे जमा हुए हैं। अभी बात हो रही थी आज़ादी की, हम आज़ाद जरूर हो गए हैं, फिजिकली हम आज़ाद हो गए हैं, हम अज्ञानता से आज़ाद नहीं हुए हैं, हम गरीबी से आज़ाद नहीं हुए हैं, हम इलिटरेसी से आज़ाद नहीं हुए हैं, और ये जो आज़ादी जब हमें मिलेगी तब सही मायने में आज़ादी कही जाएगी। वैसे हम आज़ाद हैं कहने के लिए, लेकिन मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से हम आज भी आज़ाद नहीं हैं। लेकिन जैसे हमारे बाबूजी ने कहा, नेहरू जी के समय से लेकर आज मोदी जी के समय तक तरक्की अनाप शनाप हुई है, लेकिन जितनी होनी चाहिए थी नहीं हुई है। लेकिन हम उस दौर में जा रहे हैं, परमात्मा करे जो हम सोच रहे हैं जिस तरक्की पे हमें पहुंचना चाहिए, देर सवेर हम वो मंजिल हमारी पा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नंदिनी हरिओम शरण हूँ, और आज इस 15 अगस्त पर मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मैं आपके समक्ष आई हूँ। बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ और सबकी बातें सुनकर बहुत प्रभावित भी हो रही हूँ, क्योंकि सही में ये जो त्योहार है
ये सबसे बड़ा त्यौहार है हमारे देश का। मैं क्योंकि गायिका हूँ और बलिदान की बात हो रही है तो मैं दो लाइन जरूर गाकर सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि शहीदों की बात हो रही है कि ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद जय हिंद की सेना, जय हिंद जय हिंद जय हिंद।